जब मंगोलों को प्यास लगती थी, अगर आसपास पानी दिखाई ना दे तो मंगोल घोड़े के पैर की नस को काटकर उसका खून पी जाया करते थे। ऐसी थी मंगोल जाति, जिन्हें यायावर जाति भी कहा जाता है। और उसी यायावर अर्थात जो घुमंतु जाति थी, उसी में एक शासक थे चंगेज खान, जिन्होंने 1206 से 1227 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि अपने जीवन काल में चंगेज खान कभी पराजित नहीं हुए। जिस शहर को जीतते थे मंगोल, उस शहर को ये नष्ट कर दिया करते थे। और हम जब चंगेज खान की हम बात करते हैं, तो चंगेज खान 1221 ईस्वी में ये ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक आ गए थे, सिंधु नदी के तट तक। और उस समय भारत के शासक थे इल्तुतमिश थे। और एक महान आदमी की जो खासियत होती है वो ये होती है, एक महान आदमी दूसरे महान आदमी का सम्मान करता है। और इसने चंगेज खान ने इल्तुतमिश के पास अपना राजदूत भेजा और कहा, क्या आप जलालुद्दीन मकबरनी का साथ देंगे या नहीं? तो इल्तुतमिश ने कहा कि हम जलालुद्दीन मकबरनी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली की राजगद्दी पर इल्तुतमिश का शासन था। वो नहीं चाहते थे कि चंगेज खान से हमें युद्ध करना पड़े। और जब इल्तुतमिश ने कह दिया कि हम जलालुद्दीन मकबरनी का साथ नहीं देंगे, तो ये चंगेज खान सिंधु नदी के तट से वापस चले गए। जो ये चंगेज खान है, एक छोटा सा जो क्षेत्र है मंगोलिया, जो वर्तमान में चीन के पास स्थित है, तो यही के शासक थे। और इससे ये जो मुगलों का नाम जो मुगल है, ये भी मंगोलों से पड़ा है। मुगल और मंगोल जो है ये एक दूसरे से रिश्ते में संबंधित हैं। बाबर की जो मां थी, जिसका नाम कुतलुग निगार खानम था, वो इस चंगेज खान की 14वीं पीढ़ी से थी। और बाबर के जो पिता थे वह तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी से थे। ये जो मंगोल थे, जब हम इनके साम्राज्य की हम बात करते हैं कि इनका जो साम्राज्य था वो कहां कहां तक इनका फैला हुआ था, ये मंगोलिया एक छोटा सा ये देश है, एक छोटा सा एक कबीला था। इसने कराकोरम, तुरफान, चीन, तिब्बत, ताशकंद, बुखारा, समरकंद, बलख, निशापुर और हेरात, फारस, ओर्मुज, बगदाद, मारो, तो इसने ये इसका रूसी मास्को ये क्षेत्र यहां तक इनका फैला हुआ था मंगोलिया का। कितना बड़ा साम्राज्य था। आज जो एक मंगोल, एक वर्तमान में मंगोलिया एक छोटा सा देश है, उस समय ये इतना फैला हुआ था। और इसके जो महानतम जो शासक थे, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसका नाम था चंगेज खान। चंगेज खान अपनी मृत्यु से पहले चंगेज खान ने कहा था कि मेरी कब्र को किसी ऐसी जगह बनाना और मेरी कब्र के बारे में किसी को भी ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मुझे कहां दफनाया गया था। हर शासक की ये इच्छा होती है मरने के बाद मेरी कब्र के ऊपर मकबरा बने और लोग मुझे जाने। लेकिन चंगेज खान मरने के बाद गुमनाम रहना चाहते थे। जब चंगेज खान की 1227 ईस्वी में मृत्यु हुई और चंगेज खान को जब दफनाया गया, तो चंगेज खान की कब्र के ऊपर 1000 घोड़ों को दौड़ाया गया, उस कब्र को रौंदा गया, जिससे यह पता ना चले कि चंगेज खान की कब्र कहां पर स्थित है। और आज तक यह रहस्य है कि चंगेज खान की कब्र कहां पर है, आज तक ये किसी को नहीं मालूम। और इसकी कब्र की जांच करने के लिए काफी संगठन, काफी देशों ने काम भी किया है, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं चला।
सबसे बड़ी बात तो यह है, चंगेज खान की कब्र को ढूंढने में जो इंटरेस्ट ले रहे हैं या दिलचस्पी जो ले रहे हैं, वे मंगोलिया के लोग नहीं ले रहे, इसमें दिलचस्पी जो ले रहे हैं इसमें यूरोप के देश ज्यादा ले रहे हैं। एक बार तो जापान ने भी मंगोलिया के साथ मिलकर एक मिशन बनाया था चंगेज खान की कब्र को ढूंढने के लिए या पता लगाने के लिए, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इनका मानना यह है मंगोलियों का, अगर चंगेज खान की कब्र का पता चल गया तो दुनिया में हलचल मच जाएगी, दुनिया तबाह हो जाएगी। क्योंकि यह एग्जाम्पल उन्होंने देखा भी है, जब तैमूर लंग की कब्र को 1941 में जब रूस ने जब खोजा था तो रूस की स्थिति बड़ी खराब हो गई थी, और यह मंगोलों की एक बहुत बड़ी खासियत रही है, जो अपने पूर्वज हैं अपने पूर्वजों का ये बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। जो इनके पूर्वजों ने इनसे कहा था कि मेरी कब्र को कभी ढूंढने की कभी तलाश मत करना, तो आज भी उसके सिद्धांत का ये पालन करते हैं, और आज तक चंगेज खान की कब्र का आज तक पता नहीं चल पाया कहां पर इसकी कब्र है कहां पर नहीं है। जब चंगेज खान के नाम के पीछे खान लगा होता है तो हम सोचते हैं, अधिकांश लोग सोचते हैं कि ये मुसलमान थे, ये मुसलमान नहीं थे। खान तो उस समय एक उपाधि हुआ करती थी, शासक से नीचे खान होते थे और खानों के ऊपर शासक होते थे। चंगेज खान अपने आप को खानों के खान कहलाना पसंद करते थे और ये खानों के खान थे। लेकिन चंगेज खान की आने वाली पीढ़ियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और वर्तमान में ये इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन ये चंगेज खान जो थे ये टैंगरी धर्म को मानते थे और ये यायावर जाति से थे। तो आज तक इसके कब्र के बारे में किसी को नहीं पता चला इसकी कब्र कहां पर स्थित है। इन मंगोलों की जब क्रूरता की बात की जाती है तो बताया जाता है ये शहर के शहरों को नष्ट कर दिया करते थे, पेड़ पौधों और फसल को नष्ट कर दिया करते थे, जिस शहर को जीतते थे उसे जला भी दिया करते थे, तबाह कर दिया करते थे, ऐसे थे ये मंगोल। और ये जादू टोने में अंधविश्वास में बहुत ज्यादा विश्वास किया करते थे और बड़े क्रूर माने जाते हैं मंगोलों को। और ये चंगेज खान का इतिहास तो अपने आप में बड़ा अद्भुत इतिहास है, जो 1206 से 1227 ईस्वी तक शासन किया लेकिन कभी अपने जीवन काल में कभी पराजित नहीं हुआ। इसका वास्तविक नाम था तिमूचिन, जिसका अर्थ होता है फौलादी, लोहा, तो इसका नाम था तिमूचिन। तो ये था मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी आज तक कब्र के बारे में कोई भी मालूम नहीं कर पाया कहां पर इसकी कब्र स्थित है। धन्यवाद और जय हिंद।